हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम इलेवेंथ क्लास के फिजिक्स पर को पढ़ेंगे टॉपिक है हमारा द्रव के तापी गुण न्यू चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स अभी तक का हमारा जो फिजिक्स का पोर्सन था इससे पहले हमने जस्ट फ्लूट्स मैकेनिक्स पढ़ा द्रव तरल का यांत्रिकी पढ़ा तरल यांत्रिकी अब हमारा जो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है वह थर्मल फिजिक्स है मतलब उस उसमें भौतिकी कह सकते हैं एक्चुअल में इलेवंथ क्लास में फिजिक्स का जो सिलेबस है बहुत से इसमें पार्ट हैं अलग अलग ट्वेल्थ क्लास में ऐसा नहीं है ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स <coughs> एक बार इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है पूरा सेशन इलेक्ट्रिसिटी चलते रहता है लेकिन इलेवंथ क्लास में वेराइटी बहुत है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हैं छोटे छोटे चैप्टर हैं थर्मल फिजिक्स में एक्चुअल में थ्योरिटिकल पोर्शन ज़्यादा है थर्मल फिजिक्स का मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे दूँ थर्मल फिजिक्स में शुरुआत के दो जो टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर थोड़ा उष्मी प्रसार फिर गैसों की उष् प्रसार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडाइनमिक्स उषमा गति की थर्मोडाइनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है थर्मल फिजिक्स में जिसमें से नीट और आईआईटी आई में क्वेश्चन आना 100 परसेंट डिसाइडेड है जो लास्ट में हम पढ़ेंगे उषमा गति की थर्मोडाइनेमिक्स लेकिन उसके पहले बहुत से छोटे छोटे बेसिक्स अपने को पढ़ने होते हैं जिसमें आज जो हम पढ़ेंगे द्रव के सॉरी द्रव्य के तापी गुण ओके एक तरह से आज पहला क्लास है तो इंट्रोडक्शन क्लास है आप सबको मालूम है कि, कि किसी भी चैप्टर का जो मेरा पहला क्लास होता है कंप्लीटली उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं डिस्कस करता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो आगे चल के आपको पूरे डिफिकल्ट टॉपिक को समझने में हेल्प करता है तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास में तोमेस गुलतेस अभय डोमन ईसा हेमंत आलोक चंदा आकाश सोनिका नजरुल इस्लाम ओके दीपक गौतम नमस्ते भारत मिस्टी रुस्कर अंजू बस दो तीन चैप्टर हैं फिर हम तो शुरू से फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को है ना शुरू से फिर स्टार्ट करेंगे अपन अमित पाल विक्रम अभी टेंथ वालों का क्लास अभी टेंथ वालों का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है बहुत से जगहों में बहुत से टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर तो ट्वेल्थ का बोर्ड भी हट जाएगा यही लास्ट ईयर है मान के चलो टेंथ बोर्ड वालों का चलिए ठीक है तो क्लास स्टार्ट करें क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आज के एन अकेडमी पर होने वाले स्पेशल लाइव क्लास के बारे में बता दूं आज का मेरा जो स्पेशल लाइव क्लास है अन अकेडमी पर जो कि फ्री क्लास होता है आपके लिए यह क्लास आपके लिए कंप्लीटली फ्री होता है इस क्लास में आप बिना किसी फी के अन एकेडमी में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भी आप क्लास ले सकते हैं ये फैसिलिटी आपको अन एकेडमी दे रही है मेरा वहाँ पर फिजिक्स का क्लास होगा नाइन फिफ्टीन पर अभी इवनिंग में इस क्लास के कुछ देर बाद ये क्लास आप जरूर ज्वाइन किया करो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो मेरे इस क्लास में पूरा कॉन्सेंट पढ़ लेते हैं उस क्लास में भी आप मेरे से ही एक ही टीचर से यहां भी वहां भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वहां पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न पर आपको पढ़ाता हूं जैसे में आता है, कराते हैं। पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व कराते हैं कुल मिला के कंप्लीटली हम आपको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करते हैं तो इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन किया करो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप अन एकेडमी का ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर मेरे प्रोफाइल पर जाके प्रोफाइल फॉलो करिए आपको पूरे क्लास का लिंक मिलेगा या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसका लिंक हमने आपका कई बार दिया है और दे देंगे उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इस क्लास का लिंक डालूंगा वो लिंक के थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे वहां पर आपको कोड मांगेगा तो जेपी सर लाइव कोड आप वहां पर यूज कर लीजिए ये मेरा रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आप क्लास में इनरोल्ड हो जाएंगे और वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से इस क्लास में आइए और अन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यदि आप कोई कोर्स परचेस करते हैं तो वो भी आपके लिए टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यदि आप मेरा ये कोड यूज करेंगे ओके तो ये नाइन फिफ्टीन के क्लास में आइए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है बहुत से बच्चे आते भी हैं और जो नहीं आते हैं वो सबको बोल रहा हूं आप उस क्लास में कोई पैसा नहीं लगता आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें कि इस क्लास में आने के लिए कोई फी पेड करना पड़ेगा इसीलिए बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कोई फी नहीं लगेगा फ्री क्लास है चलिए तो फिर आज हम क्लास स्टार्ट करें थर्मल फिजिक्स का और आज हम पढ़ेंगे एक्चुअल में हीट एंड टेम्परेचर ताप और उषमा द्रव्य का जो तापी गुण है द्रव्य के तापी गुण का जो सबसे पहला टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है हीट एंड टेम्परेचर उष्मा और ताप यहीं से हम इसके बेसिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं देखिए कॉमन कॉन्सेप्ट में कभी भी हम कहीं बात करें यदि हमको फिजिक्स का डिप डेप्थ में नॉलेज नहीं है सामान्य हम वार्तालाप में बात करें तो ताप और उष्मा हमको एक जैसा चीज लगता है हमको लगता है कि वही चीज़ ताप है वही चीज़ उष्मा है कोई चीज़ गर्म है तो इसका ताप बहुत अधिक है बोलेंगे इसका उष्मा बहुत अधिक ऐसा बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ताप और उष्मा बहुत अलग चीज़ है दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ताप अलग चीज है उसमें अलग चीज है मैं बहुत बार इस बात को फिजिक्स के क्लास में डिस्कस करता हूं और मेरे क्लास का बेसिकली फोकस इसी बात पर होता है कि सबसे पहले हमको जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उन पर कमांड होना जरूरी है जब तक आप उन चीज़ों को सूक्ष्मता से नहीं समझेंगे चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा टर्म्स टर्मिनोलॉजी हर चैप्टर की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है हम ताप ताप बोले जा रहे हैं हमको ताप के बारे में ठीक से पता नहीं हम उषमा उस्मा शब्द दिन भर बोल रहे हैं उषमा के बारे में ठीक से पता नहीं यही कुछ वजह है जो किसी भी सब्जेक्ट को समझने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इसलिए इन चीज़ों पर मैं केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं टोटल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको जीडीपी पता होना चाहिए क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद आपको पता होना चाहिए क्या है मतलब हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सनट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए आपको एटॉमिक नंबर होना चाहिए आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए जो भी टर्म यूज होते हैं पता होना चाहिए तो टर्मिनोलॉजी पर सबसे पहले आप कमांड करो तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि उसमा और ताप है क्या सामान्य बोलने से दोनों एक जैसा चीज लगता है उस्मा एक्चुअल में दोनों पर मैं कंपेटिव यहां पर एक चार्ट बना के डिस्कस करता हूं दोनों में मैं एक चार्ट बना दूं और चार्ट बना के हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस पर लेफ्ट साइड में मैं लिख देता हूं उष्मा को इधर मैं उषमा लिख रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं ताप तो जो बेसिक डिफरेंस है जो दोनों में अंतर महसूस कराता है हमको इस पर हम डिस्कस करें सबसे पहले तो एक्चुअल में उष्मा क्या है एक्चुअल में उष्मा क्या है ऊर्जा का एक रूप है तो 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 हिट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यह एक तरह की ऊर्जा है हिट मतलब होता है एक तरह की ऊर्जा हमको मालूम है कि हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है वह ताप के रूप में प्राप्त होता है वह ध्वनि के रूप में प्राप्त होता है वह इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्राप्त होता है वह न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में फार्म होता है वो सोलर एनर्जी के फार्म में रूप मतलब ऊर्जा के हमारे ब्रह्मांड में बहुत से रूप हैं। उन्हीं रूप में एक रूप है उष्मा, दैट मीन्स हीट इज ए फार्म ऑफ एनर्जी उष्मा ऊर्जा का एक रूप है तो भाई ताप क्या है फिर ताप क्या होता क्या ताप भी उष्मा का एक रूप है ऊर्जा का एक रूप है नहीं ताप अपने आप में कोई चीज नहीं है ताप वास्तव में अपने आप में कोई चीज नहीं है देखिए मैं इसको समझाने से पहले आपको एक, एक बता रहा हूं पहले इसका डेफिनेशन बता दूं, फिर एग्जाम्पल बताता हूं ताप का वास्तव में कार्य क्या है कि ताप सिर्फ यह प्रदर्शित करता है कि प्रवाह की दिशा क्या होगी यहां पर लिख देता हूं प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक temperature is the factor which determine the direction of flow of heat ताप वह कारक है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है दैट मींस ऊष्मा किधर प्रवाहित होगा मतलब इसका रोल सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन शो करता है यह ऊर्जा का कोई रूप नहीं है इस प्रकार से दोनों में क्या संबंध हुआ ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ताप उषमा प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है मतलब ताप का रोल सिर्फ इतना है कि वह बताता है कि किधर से किधर प्रवाहित हो रही है ओके इसका 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 मेजरमेंट किया जाता है मतलब इसका कैलोरी इसका यूनिट होता है मापने का हम उषमा को कैलोरी से मेजरमेंट करते हैं जबकि ताप को हम मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास ताप मापने की चार इकाई होती है ताप का जो मापन होता है ताप का जो मेजरमेंट होता है उसकी चार इकाई होती है चार इकाई कौन कौन सी है इसमें रिलेशन को ही मैं आपको सीधा रिलेशन ही लिख देता हूं वो होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन फाइव इक्वल एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इक्वल के माइनस टू सेवेंटी थ्री अपॉन फाइव इक्वल आर अपॉन फोर ये चार प्रणाली है मापने की और मैंने एक संबंध भी लिख दिया जो यहाँ पर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने का काम आता है तो ये जो यहाँ पर आप रिलेशन देख रहे हो यह एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करने का काम आता है ये डिग्री सेल्सियस है ये फेरन है फेरन है यह कैलविन है और ये आर फार यूमर होता है रूमर तो चार यूनिट होते हैं जिसमें से ये जो यूनिट है हमारा वह एस यूनिट है केल्विन ऐसा यूनिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है जो आपको मापन के समय पढ़ाया गया था मतलब हम क्वेश्चन को जब ऐसा SI यूनिट में सॉल्व करते रहते हैं तो उसको हम केल्विन में करते हैं ये आप ध्यान रखना और किसी भी दो संबंध को लेकर आपस में हम उसको चेंज कर सकते हैं जैसे हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम आपस में उसको चेंज कर सकते हैं रूपांतरण कर सकते हैं उसका यूनिट का कैसे कर सकते हैं आगे मैं डिस्कस करूंगा तो ये हीट हुआ और ये क्या हुआ टेम्परेचर हुआ अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास एक कोई राड है सपोज ये एक राड है और यहां पर यदि इस सिरे का हीट मान लो ट्वेंटी कैलोरी है और इस सिरे का हिट मान लो टेन कैलोरी है या अलग अलग धातु का है मान लो इसको मैं दो अलग अलग धातु का बना लिया मान लो यहां से यहां तक अलग धातु है एक धातु में तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यह रेड कलर का अलग धातु है ग्रीन कलर का देख रहा हो अलग धातु है दोनों धातु ज्वाइंट है और इस सिरे का हीट बीस कैलोरी है इस सिरे का हीट दस कैलोरी है अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन करें कि यहां पर उष्मा का प्रवाह किधर होगा मान लो ये सिरा ए है सीधा बी है यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि उषमा का प्रवाह ए से बी होगा कि बी से ए होगा चलिए मैं आपसे क्वेश्चन ही कर लेता हूं रेंडम आप मेरे को आंसर देना यहां पर चैट में उस्मा का प्रवाह मेरे इस उदाहरण में उषमा का जो प्रवाह होगा वह पहला है ए से बी दूसरा है बी से ए तीसरा है दोनों तरफ हो सकता है और चौथा ऑप्शन है बता नहीं सकते इसमें से आप कौन से ऑप्शन को सही मानेंगे चलिए बताइए वन टू थ्री फोर करके आंसर आप अपने चैट में देना आप अपने आंसर में चैट में देना ए, वन टू थ्री फोर ये टाइप करना आप ओके एट्टी परसेंट स्टूडेंट ने एट्टी परसेंट स्टूडेंट ने बस हो गया एट्टी परसेंट स्टूडेंट ने ए से बी कहा है नियर अबाउट जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं और फिफ्टीन परसेंट स्टूडेंट ने बी से ए कहा है और करीब फाइव परसेंट स्टूडेंट सी भी बता रहे हैं दोनों और ए से बी भी हो सकता है बी से भी हो सकता है जबकि इसका आंसर है बता नहीं सकते नॉट डिटरमाइन भाई क्यों नहीं बता सकते ये है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए बोलता हूं मैं कि बहुत सूक्ष्मता से पढ़ने का जरूरत होता है इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत सूक्ष्मता से पढ़ने की जरूरत होता है इस एग्जाम्पल में हम नहीं बता सकते क्योंकि आपको एक, एक छोटी सी बात पकड़नी थी यहां पर क्या ऊर्जा का मात्रा कभी अपने प्रवाह की दिशा नहीं बताता उष्मा प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक तो ताप है और ताप मैंने यहां पर लिखा नहीं है यहां पर तो मैं उष्मा लिखा हूं और उष्मा की मात्रा उष्मा प्रवाह को नहीं बताता अब आपका तर्क होगा कि सर यहां पर 20 कैलोरी है यहां पर 10 कैलोरी है तो 20 से 10 की ओर तो जाएगा ना ऐसा आपके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्स आ सकता है एक गलत कॉन्सेप्ट आ सकता है और इसी कारण आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर वन दिया है इसीलिए आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर वन दिया है 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 कि कि ऐसे भी क्योंकि आपको लगा कि यहां 20 है, यहां पर कैलोरी अब इस बात को छोड़ो मैं आपसे कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करता हूं थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात यहां पर मैं दो कंटेनर लेता हूं यहां पर मैं दो कंटेनर लिया एक कंटेनर ये लिया और दूसरा कंटेनर ये लिया सपोज ये दो पात्र हैं और ये दोनों पात्र को हमने लाइन ड्रा नहीं चलो जल्दी बनाना है मेरे को ये और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ये ये दो पात्र हैं ए और बी अब इसमें क्या किया हमने द्रव भर दिया एक में द्रव में यहां तक भर दिया और एक में द्रव में यहां तक भर दिया यह द्रव का लेवल है ये लेवल ऑफ द लिक्विड है यहां तक लिक्विड इसमें भरा हुआ है इस तरह से और हमने इन दोनों के बीच में एक वाल्व लगा दिया है ये सपोज एक वाल्व है वाल्व आप समझते हैं ये वाल्व यहाँ पर लगा है और दोनों में द्रव भरा हुआ है यहां पर मैं आपको क्वांटिटी भी बता दूं सपोज इसमें टेन लीटर भरा हुआ है दस लीटर और इसमें सपोज लिख भरा हुआ है बीस लीटर इसमें जो द्रव भरा है उसकी मात्रा टेन लीटर है इसमें भरे हुए द्रव की मात्रा क्या है ट्वेंटी लीटर है यहां पर दोनों एक ही सतह पर रखे हैं ना चित्र मेरा अप डाउन है लेकिन उसको आप ध्यान मत देना ये एक ही सतह पर रखे हुए हैं दोनों इस प्रकार से ऊपर नीचे नहीं फिर आप दूसरा तर्क नहीं लगा देना ऐसा रखा हुआ है अब मान लो मैं इसके बीच के वाल्व को खोला ये जो बीच में वाल्व लगा है इसको मैं ओपन किया तो मुझे आप यहां पर आंसर देना कि यहां पर द्रव का प्रवाह द्रव का प्रवाह ए से बी होगा बी से ए होगा दोनों और हो सकता है और चौथा नहीं बता सकते वही ऑप्शन दिया जो मैं आपको पीछे दिया था क्या आंसर होगा इसका इस एग्जाम्पल को देखो ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है ऐसा चीज तो आप देखते हो अपने डेली लाइफ में इसमें द्रव का प्रवाह किधर से किधर होगा बताइए आप बताइए फटाफट ये ऑप्शन लिख दीजिए वन टू थ्री फोर ओके okay, ओके okay. इसमें द्रव का प्रवाह मैक्सिमम लोगों ने सही बता रहा है इसमें द्रव का प्रवाह होगा ए से बी मैक्सिमम लोगों ने सही बताया इसमें द्रव का प्रवाह ए से बी होगा तो यहां पर सोचने वाली बात है कि ए के पास तो केवल दस लीटर है और बी के पास बीस लीटर है तो द्रव को बी से ए में जाना चाहिए क्योंकि बी के पास द्रव की मात्रा ज्यादा है लेकिन आपको बहुत छोटे क्लास से बचपन से कह सकते हैं यह बात पता है कि पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है न कि पानी का प्रवाह द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है यदि पानी का प्रवाह द्रव की मात्रा पर निर्भर करता तो समुद्र का पानी पूरे पृथ्वी के ऊपर आ जाता क्योंकि समुद्र में तो बहुत पानी है वह पानी पूरे हमारे लैंड पर हमारे धरातल पर ऊपर की ओर आ जाता है जबकि ऐसा नहीं होता छोटे छोटे नदी नाले के पानी जाके समुद्र में गिरते रहते हैं नदी नाले में थोड़ा सा पानी है समुद्र में बहुत पानी है तो ये बात ये प्रूफ करता है कि ये बात आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता है कि पानी का प्रवाह अब आप सोचोगे इतनी छोटी चीज पर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा जब आप ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे और इलेक्ट्रिसिटी में जब आपको विभव विभवांतर समझाया जाएगा तो इन चीजों का जरूरत पड़ेगा इसलिए कभी भी फिजिक्स की पढ़ाई को इतनी गहराई से करो इतनी गहराई से करो कि आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम मत आए मैं हमेशा हर क्लास में एक ही बात रात दिन रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ओनली कॉन्सेप्ट फिजिक्स इज द कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट यह सौ प्रतिशत कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इमेजिनेशन पर कल्पनाओं पर आधारित इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना अच्छा फिजिक्स को समझोगे और इन्जॉय भी करोगे फिजिक्स पढ़ने का बस नहीं मजा भी करने का सब्जेक्ट है देखो एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है तो यहां पर आप लोगों ने सही आंसर बताया कि ए से बी में जाएगा और आपके पास इसका तर्क है क्या तर्क है कि सर ए में पानी का लेवल ऊपर है और बी में नीचे है तो यहां से यहां जाएगा पानी एग्जैक्टली exactly उसी तरह से ठीक उसी प्रकार यहां पर हम देख रहे हैं मतलब यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं पानी का प्रवाह पानी की मात्रा पर नहीं बल्कि पानी के सतह की ऊंचाई पर निर्भर करता है पानी सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है चाहे मात्रा कुछ भी हो ठीक उसी तरह से यहां पर जो उष्मा का प्रवाह है यह जो उष्मा का प्रवाह है वह उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता तो किस बात पर निर्भर करता है तो निर्भर करता है वह ताप पर इसीलिए ताप का कॉन्सेप्ट आया मैं आपको बता रहा हूं मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है मैक्सिमम बच्चे उषमा और ताप के डिफरेंस को नहीं समझ पाते या तो बुक में चार्ट बना के पांच अंतर दिया तो रट्टा मार लेते हैं कि हमारा टीचर हमारे स्कूल में पूछेगा ताप तथा तो उषमा में अंतर लिखो तो रटा हुआ है फटाफट ये अंतर ये अंतर ये अंतर ये अंतर, रे अंतर, रे अंतर, रे अंतर, रे अंतर रे लिख के आ गया खुश हो गया मैं तो ताप और उषमा में अंतर परीक्षा में आया था बढ़िया लिख के आ गया ऐसा फिजिक्स समझ में नहीं आएगा फिजिक्स ऐसा समझ में कभी नहीं आएगा तो यहां पर आप ध्यान रखना अब आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ताप उषमा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि मान लो इस का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका ताप मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है अब आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि उषमा ए से बी में जाएगा क्योंकि अब आप बोलोगे ताप के बेस पर क्या किष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है उषमा जैसे पानी सदैव पानी मीन्स द्रव द्रव सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है ठीक उसी तरह से उष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है दैट मीन्स उष्मा प्रवाह की दिशा बताता है कौन ताप तो ताप एकदम दिमाग में आपका क्लियर रहे। ताप कोई चीज नहीं है उसका सिर्फ एक ही काम है जो उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता कई लोग बोल देते हैं कि ताप उषमा मापन की इकाई है भूल के कभी गलती में ऐसा नहीं बोलता बोलना ताप उष्मा मापन की इकाई नहीं है ताप उषमा नहीं माप रहा है उषमा मापने की इकाई तो कैलोरी है तो कई बार ऐसा बोल देते हैं कई बार बच्चे मुझे ऐसा जवाब दिए हैं मैं बोलूंगा भाई ताप क्या है तो बोलते हैं सर ये उषमा का मापन है ताप उषमा का मापन नहीं करता ताप ये नहीं बताता कि कितनी उषमा है कितनी उषमा है तो कैलोरी बताता है कैलोरी मिट्री की हेल्प से हम उसको मेजरमेंट करते हैं देखो कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितना कुछ उसमें रहता है तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और ये फार्मूला आप तैयार कर लेना अच्छे से इस फार्मूला से कभी भी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको बता देता हूं इसके बाद तो ये चेंज करने वाला फार्मूला आपको याद में रखना है ओके क्लियर यहां तक यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भाई आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में आते हो तो आप पढ़ाई में ध्यान दो अननेसेसरी आपस में चैटिंग मत करो आप अभी लाइफ के एक ऐसे एज पर हो जहाँ पर आप अपना भविष्य बना भी सकते हो बिगाड़ भी सकते हो हम इतना मेहनत करके आपको इस लेवल का एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं बिना कोई फी के आप समझ सकते हैं उसका आप वैल्यू रखो और यहां पर जब क्लास में आप आ गए हो जब टाइम दे रहे हो आपका मोबाइल का डेटा जा रहा है आप उसमें टाइम भी दे रहे हो तो प्लीज पढ़ाई करो इधर उधर करने के लिए और बहुत से प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके आप कर सकते हो यहां पर आ गए तो आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो और कुछ नहीं बाद में पछताओगे चलिए इस पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं एक जैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं किस मान के लिए किस मान के लिए डिग्री सेल्सियस तथा फरनहाइट समान होते हैं ये आया हुआ क्वेश्चन है ताप के किस मान के लिए चलिए बनाइए इसका आंसर दीजिए आपको मैं दो मिनट का समय देता हूं ताप के किस मान के लिए डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस तथा फेरन समान होते हैं यदि तो ऐसा क्वेश्चन आए कैसे बनेगा बताओ यादव जी आप बोल रहे हो कि सर आप रोज आइए क्लास में आप लोग को ध्यान से पढ़ते नहीं हो क्या करेंगे रोज आके क्यों आप लोग को ध्यान से पढ़ते नहीं टाइम टाइम पास करते हो शुभम राव माइनस फोर्टी राजीव फोर्टी प्रीत विश्वकर्मा आप हमारे चैनल पर नए हो स्वागत है भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका माइनस फोर्टी अजीत कुमार मितेश माइनस फोर्टी वेरी गुड स्टडी विथ आशीष माइनस फोर्टी ऋतिक माइनस फोर्टी ठीक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया देखो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे तो एक एग्जांपल इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो हमको मालूम है डिग्री सेल्सियस अपॉन फाइव इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन ये हमने पढ़ा है अब हम मान लेते हैं कि सपोज एक्स पर समान होता है हम मान लेते हैं कि एक्स वह मान है जिस पर ये समान होता है इसका वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो एक्स डिग्री सेल्सियस को भी एक्स ले लिया अपान फाइव इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन ये हमने कर लिया मतलब हमने मान लिया कि मान लो x पर किस ताप पर बोल रहा है ताप के किस मान पर तो हमने मान मान लिया कि ताप के पर वो समान होता है तो हमने उसका वैल्यू पुट अप दिया। अपान टू अपान हो जाएगा। इसका कर दें। इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो साथ मल्टीप्लाई पांच दस थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी अरे वन सिक्सटी ना वन सिक्सटी कहा गया दैट इंप्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इसके साथ फोर एक्स हो जाएगा माइनस वन सिक्सटी और x फोर उधर ट्रांसफर कर दे x इक्वल टू माइनस वन सिक्सटी अपॉन फोर दे फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर्टी तो 40 के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना 40 एक ऐसा वैल्यू है, 40 एक ऐसा है जिसके लिए आपको बताया That means आपको किसी भी क्वेश्चन में रिलेशन बनाने का आपको पूछे तो ये फार्मूला से ही पूरा क्वेश्चन बनेगा और कभी भी इस फार्मूला से आपको Complity में क्वेश्चन आ सकते हैं ओके okay? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस तरह से ताप और उष्मा का ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं मैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेन टॉपिक में आ जाएंगे आज के क्लास में मुझे सिर्फ आपको ताप उषमा उसके पूरे कंडीशन उसका मेजरमेंट ये सब समझाना था बहुत डीप डिस्कस किया मैंने अगले क्लास में हम रेखी प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक इसके छोटे छोटे फार्मूले बहुत छोटा छोटा चैप्टर है दो तीन क्लास में पूरा आपका हिट कंप्लीट हो जाएगा कुछ नहीं है बहुत कम है फटाफट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दो चैप्टर हम आपको 15 अप्रैल से पहले हमारा हमारा प्लानिंग है कि 15 अप्रैल के बाद हम न्यू सेशन स्टार्ट करें क्योंकि तब तक टेंथ क्लास वगैरह के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएंगे बहुत से स्टेट में कई स्टेट में हो गए कई में चल रहे हैं टेंथ बोर्ड के एग्जाम तो फिर इलेवेंथ क्लास को हम एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से और इस बार हम संडे को आपसे डिस्कस किए थे कि इस बार हम न्यूमेरिकल्स को चैप्टर के साथ साथ कराएंगे न्यूमेरिकल में हम थोड़ा पिछड़ गए पूरा नहीं कर पाए तो हम उसको चैप्टर के साथ साथ कराएंगे ओके चलिए ठीक है तो इतनी पढ़ाई करके आप आइए नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मिलते हैं ओके थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच